फ्रेंड्स विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। अभी तक पासपोर्ट के लिए आपको विदेश मंत्रालय की ओर से देश भर में संचालित विभिन्न पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को सहूलियत के लिए एक और सुविधा दी गई है। इसके तहत आप अपने नजदीकी डाकघरों में यानी पोस्ट ऑफिस से भी आसानी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी डाकघरों में या कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी काउंटर पर जाकर आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस से कैसे अपना पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं हूं परवेश कुमार। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद इंडिया पोस्ट ने एक ट्वीट के जरिए दी है, जिसमें बताया गया है कि अब अपने निकटतम डाकघर सीएससी काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निकटतम डाकघर पर जाएं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि passport.gov.in के अनुसार पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाएं हैं और पासपोर्ट जारी करने से संबंधित फ्रंट एंड सेवाएं प्रदान करते हैं और ये केंद्र टोकन जारी करने से लेकर पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन देने तक की कार्य क्षमता को कवर करते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप पासपोर्ट ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, अपना खुद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट बनवाने को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी और साथ ही फॉर्म सबमिट करना होगा। ऐसे करते ही आपको एक नई तारीख बताई जाएगी। उस दिन आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स के साथ आप निकटतम डाकघर में जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि किन चीजों की आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और निर्वाचन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और या नोटरी से बनाया एक हलफनामा लेकर अपने नजदीकी डाकखाने में पहुंचना होगा। उसके बाद हम फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि इसमें आपको रेटिना स्कैनिंग का वेरिफिकेशन होता है। तो डाकघर में अपने सारे दस्तावेज लेकर जाने पर इसकी प्रमाणिकता की जांच की जाएगी और दस्तावेज सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर इस दौरान आवेदक के फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन किया जाएगा और कागजी कार्रवाई होने के बाद सारी प्रक्रिया में 15 दिन तक का वक्त लगता है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से पासपोर्ट अपने पोस्ट ऑफिस के जरिए कैसे आवेदन करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको पासपोर्ट से संबंधित कोई भी मन में सवाल है या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।